हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडअप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो है रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का जो है स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो अब ये मत कहिएगा कि सर इच्छा अनुसार नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन पर ध्यान दिया तो हो सकता है कि इन क्वेश्चन में से जो है दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएँ, आपको कुछ हेल्प मिल जाए। सो बने रहिएगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक। और यार, अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है भावनाओं में बह जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपके लाइक से जो है अगला क्लास लाने में जो है हमें मदद मिलती है, खुशी मिलती है। सो लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंडअप क्लासेस को, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूँ। तो याद रखिएगा, ये रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, नेवी एमआर वालों के लिए, ठीक है। सो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान के प्रश्न मौजूद हैं। सो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। सो तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी इन चारों में से जो है कौन सा बायोगैस फ्यूल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोयला। तो इसमें से जो नाभिकीय ऊर्जा है स्टूडेंट, वो क्या नहीं है? बायोगैस यानी बायोफ्यूल का जो है, बायोगैस फ्यूल का जो है स्रोत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम अपना क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हीलियम गैस तत्व है, तो हीलियम गैस कैसा तत्व है? ऑप्शन ए है अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय और ऑप्शन डी है उदासीन। तो इसमें से जो हीलियम गैस है वो अक्रिय गैस है, ठीक है। हीलियम गैस अक्रिय तत्व है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है स्टूडेंट, आवर्तक सारणी में कितने आवर्तक हैं? तो कितने आवर्तक हैं आवर्तक सारणी में? टोटल 7 आवर्तक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अनुपात कितना है? जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है कि जल में जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं का जो है संख्या क्या अनुपात कितना होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन टू है 2:1, ऑप्शन थ्री है 3:1 और ऑप्शन डी है 2:2। तो इसमें जल में जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु का संख्या का जो है अनुपात होता है 2:1, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 5 देख लेते हैं। पूछ रहा है सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है पत्थर, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से जो सबसे कठोर तत्व है वो है आपका हीरा, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर्तक सारणी में कितने वर्ग होते हैं? जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे वर्ग पूछ रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्ग हैं। तो टोटल कितने वर्ग हैं आवर्तक सारणी में? 18 वर्ग हैं, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है अक्रिय गैस कौन है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से अक्रिय गैस कौन है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया ही कि हीलियम एक अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। तो क्या है इसमें से अक्रिय तत्व कौन सा है? हीलियम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? जी स्टूडेंट, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। पूछ रहा है कि क्लोरीन का जो है संयोजकता कितना है? तो क्लोरीन का जो संयोजकता है वो है आपका 1 है, कितना है? 1 है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 10 देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो पूछ रहा है इनमें से हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? हाइड्रोकार्बन इनमें कौन सा है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जिसमें हों, ठीक है। थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी है HNO3। तो इनमें से हाइड्रोकार्बन है आपका C6H12O6, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दोनों के जो है एटम आपस में मौजूद हैं, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है,
लोहे का परमाणु संख्या कितना है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। तो लोहे का जो परमाणु संख्या होता है आयरन का, वो होता है आपका 26 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर कोई जो है विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो उसका पीएच वैल्यू आपका होगा 10 हो जाएगा। यानी वो क्या है, वो अभिक्रिया कर उच्च गलांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ठीक है। तो यह यौगिक जल में अगर विलय है तो यह तत्व हो सकता है। ऑप्शन ए है सी ए, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है एस आई और ऑप्शन डी है यफी। यानी कि ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी है यफी यानी आयरन। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है वो? कैल्शियम, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एथेन का आणविक सूत्र CH है इसमें, तो इनमें से जो है, तो इनमें से क्या होगा? तो कह रहे अगर एथेन का आणविक सूत्र CH है तो इनमें से 6 संयोजक बंध हैं, 7 सहसंयोजक बंध हैं, 8 सहसंयोजक बंध हैं या फिर 9 सहसंयोजक बंध हैं। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें 7 जो है सहसंयोजक बंध होंगे, ठीक है। अब हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है। जी हाँ स्टूडेंट, जो ओजोन के अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? कितनी है? 3 है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हीलियम का परमाणु का जो बाहरी कक्षा होता है, ठीक है, ऑर्बिट होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। यहाँ पूछ रहा है कि अमोनिया के अणु में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो है अगर परमाणु मिला दिया जाए तो क्या अनुपात होगा दोनों का, ठीक है। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1:3 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन क्या है? अधातु है, याद रखिए। क्या है? अधातु है कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है? यहाँ पूछ रहा है कि N2 जो है ये, इसमें अगर जो है हम लोग सहसंयोजक बंध निकालें तो इनमें कितने जो है नाइट्रोजन में परमाणुओं के बीच जो है कितने सहसंयोजक बंध होंगे? तो टोटल कितने होंगे? 3 सहसंयोजक बंध होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? C6H6 है। क्या है? C6H6। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जस्ता एवं तून हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माकित में कौन सा गैस बनता है? कह रहा है कि जस्ता और तनु अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माकित में कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनेगा? H2 बनेगा, यानी हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3। क्या हो जाएगा? CaCO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। क्या है? अम्ल। नेक्स्ट, लिटमस विलयन वैगनी रंजक होता है जो निर्म में से किसका निकाला जाता है? तो किसका निकाला जाता है? नीला, जो अगर वैगनी निकाला जाए लिटमस विलयन का, तो किसका होगा? ये लाइकेन का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ZnO2, ठीक है, प्लस H2। क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस H2, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो पूछ रहा है किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, ये तो बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन का यानी न्यूट्रल जो है
विलयन का जो है पीएच कितना होता है, तो 7 होता है ना, 7 से कम होगा तो वो एसिड हो जाएगा और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो एल्कालिन हो जाएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3। ठीक है, याद कर लीजिएगा NaHCO3। अगला क्वेश्चन, एकार्जिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो कह रहा है कि एकार्जिया मिश्रण अगर बनाया जाए तो उसमें HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, 2:2 होता है, सॉरी 2:2 नहीं होता है, 1:3 होता है, कितना होता है, 1:3, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समावयवी है, इनमें से कौन सा समावयवी है, C2H5OH और CH3OCS3। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल की क्रियाशील मूलक है, इनमें से एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड OH है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, तो इनमें से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, CH4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्विनीकरण कहते हैं, क्या कहेंगे, गैल्विनीकरण कहेंगे, याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि उसमें मेटल और नॉन मेटल का ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्तक सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो जो आधुनिक जो है पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, तो किसके आधार पर किया गया है, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को करने पर प्राप्त होता है, तो इनमें से कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को करने पर प्राप्त होगा, तो बी वाला, NO2। ठीक है, कौन सा, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। सो आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सो कैसा लगा आज का ये क्वेश्चन, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्यारा सा छोटा सा लाइक तो जरूर कीजिएगा।